What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 29th November 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8 बज रहे. लास्ट 3 डे से कोई वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी. थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जिस सिस्टम में है वो वर्क नहीं कर रहा था, थोड़ा इशू वहाँ पर था, तो अभी ठीक है. तो शुरू करते हैं. आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स होंगी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे. आने वाले वीक में कहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. कल महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बन चुकी है, नई तो नई गवर्नमेंट है, जोश से काम करेगी ऐसी उम्मीद करते हैं. और भी महाराष्ट्र में और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स और भी फास्ट काम करेंगे, इसकी आशा होप के साथ मार्केट भी इसको देखेगा. तो क्या आज निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक हरे निशान के साथ बंद हुए और यूरोपियन मार्केट देखे तो कल दबाव में बंद हुए थे, लाल निशान में बंद हुए थे. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो महीने का और इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है. निकेई, चाइना मार्केट, हांगकांग मार्केट तीनों भी लाल निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 65 पॉइंट की इस समय गिरावट दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी हल्के से कमजोरी के साथ अभी इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इस समय थोड़े से निगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं एशियाई बाजार्स को देखें तो. चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट से शुरू करेंगे. ये है बैंक निफ्टी का चार्ट. अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी ये अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच चुका है, यानी ये एक नए जोन में पहुंच गया है जहां पर ये लाइफ टाइम में कभी भी इस लेवल के पास नहीं पहुंचा था, यानी नया लाइफ टाइम हाई इसने क्रिएट किया है. तो ये अनचार्टेड जोन है, अनचार्टेड टेरिटरी एरिया है. यहाँ पर ना ही ये फर्स्ट टाइम कभी आया था, तो यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को हम यूज कर सकते हैं. तो अगर आपने हमारा लास्ट फ्राइडे का भी वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न. सेम पैटर्न हमने निफ्टी इंडेक्स में भी देखा था. ये है इसका कप का एरिया और ये है इसके हैंडल का एरिया. तो यहाँ पर ये जो नेक लाइन अभी इसका ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ से और भी हमें जबरदस्त ऊपर की तरफ तेजी देखने को मिल सकती है. सेम पैटर्न हमने निफ्टी इंडेक्स में भी देखा था. ये है निफ्टी इंडेक्स का चार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये था इसके कप का पोर्शन, कलर चेंज कर देता हूँ. ये है इसके कप का पोर्शन और ये था इसके हैंडल का एरिया. तो यहाँ पर इसका भी नेक लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद ये जबरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिला. तो सेम पैटर्न निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के वीकली चार्ट में हमें देखने को मिला था. तो अभी यहाँ पर ये नेक्स्ट जो हमें टारगेट दिखा रहा है 123.6 का, ये जो लेवल है 32,708, ये काफी ऊपर की तरफ हमें टारगेट दिखा रहा है. तो उससे पहले जहां पर से ये पास्ट में इसने स्विंग हाई क्रिएट किया था, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बनाया था. तो ये जो लास्ट स्विंग हाई का लेवल है, यानी अराउंड 31,500 के पास, ये अभी सपोर्ट का काम कर सकता है, फर्स्ट मेजर सपोर्ट का एज पर वीकली चार्ट. ये हम लॉन्ग टाइम फ्रेम की चार्ट के बात कर रहे हैं और ऊपर में 32,708 का टारगेट होगा एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल. उसके पहले यहाँ पर अगर कोई करेक्शन आता है तो ये जो अभी कल इसने नया हाई बनाया है ये इसके रेजिस्टेंस का काम कर सकता है. अगर यहाँ से अगर करेक्शन आता है तो ये फिर ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है. सपोर्ट के लिए अभी 31,500 के पास एक मेजर सपोर्ट होगा. अगर ये ब्रेक करता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स हमें टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ आते हुए दिखाई दे सकता है. तो ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का. डेली चार्ट देखते हैं.
डेली चार्ट को भी अगर आप देखें यहाँ से, तो ये यहाँ पर भी क्लियर बुलिश स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो डेली और वीकली चार्ट में क्लियरली अपसाइड ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर एज पर डेली चार्ट अगर करेक्शन आता है तो फर्स्ट सपोर्ट होगा 30,979 का, काफी लंबा ये सपोर्ट है। उसके पहले यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बना है यानी 31,454, ये यहाँ पर एक स्विंग हाई है, लास्ट स्विंग हाई, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा वीकली चार्ट में भी लास्ट स्विंग हाई इसी लेवल के पास बन रहा था, 500 के पास, 31,500 के पास। तो यहाँ पर ये फर्स्ट मेजर सपोर्ट हो गया, उसके बाद 30,979, ऊपर में 32,708 के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं अगर ये अपसाइड लेवल कंटिन्यू रहा तो। तो डेली चार्ट और वीकली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त बुलिश स्ट्रक्चर इस समय बना हुआ है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट में हम देख रहे थे लास्ट थ्री वीक्स यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा था, और ये जो 76.4 का लेवल है 11,872, इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा था। तीन वीक इस लेवल को ये पेनेट्रेट करते रहा, सपोर्ट टेस्ट किया इसका, और अभी इसने फिर से एक जबरदस्त स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाया है। अभी निफ्टी इंडेक्स में नेक्स्ट टारगेट हो सकता है एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 12,350 मान लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा निफ्टी इंडेक्स में अगर ये रैली यहाँ से कंटिन्यू रहती है। आज वीक का लास्ट डे है तो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है और 12,000 के ऊपर ये क्लोज देता है, फर्स्ट टाइम होगा अगर ये 12,000 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक, फिर इस वीक का अगर हाई ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो हमें 12,350 के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो निफ्टी का। डेली चार्ट पर देख लेते हैं, यह है डेली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। अभी कल का हैंड कैंडलस्टिक यहाँ पर देखे तो इसने हैमर जैसा कैंडलस्टिक दिखाया, लेकिन ये अपसाइड अप ट्रेंड में ये फॉर्मेशन आया है तो इसे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक कहा जाता है। ये सिग्नल है अगर यहाँ पर ऐसा बियरिश कैंडलस्टिक बनता है और इस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से एक लंबा करेक्शन आ सकता है टुवर्ड्स 20 ईएमए तक, जो कि अभी अराउंड 11,925 के पास है। ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक है, अभी सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये ऐसा बियरिश कैंडलस्टिक मिलता है और इस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो ही हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल सकता है। तो यहाँ पर भी डेली चार्ट में भी अभी स्ट्रक्चर जो है वो एक्सट्रीम बुलिश बना हुआ है, अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, यह निफ्टी इंडेक्स का 60 मिनट का चार्ट। कल अगर आप देखें यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया था इसने निफ्टी इंडेक्स ने, तो ये स्विंग लो को अगर ये ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो इसके नीचे ये 20 ईएमए का तुरंत ये सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर हम ये जो लास्ट बुलिश कैंडलस्टिक है, स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक लास्ट के हाफ एन आवर में बना था, 12,124 इसका लो था। तो अगर ये लो अगर ब्रेक करता है, यानी ये देखिए आप यहाँ पर ये जो स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक बना था दो दिन पहले, यानी यहाँ पर एक इसने रेजिस्टेंस फेस किया था और अभी ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 12,124 अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा S1 का, ये पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 12,114 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये 20 ईएमए का पिंक लाइन जो कि 12,099 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये बुलिश कैंडलस्टिक के हाई को, यानी कल का जो हाई अगर है 12,159, इसको अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,173 और सेकेंड टारगेट होगा 12,195। तो ये है हमारे आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो
एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग.